शब्द में ही सारा जहाज समा गया है। माँ सभी को प्यारी होती है और माँ को उसके बच्चे। मगर आज भी दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कि अपनी गलती छुपाने के लिए अपने खुद के बच्चे की जान भी ले लेते हैं। जी हाँ, नागपुर शहर में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने अपने बच्चे को दुनिया देखने के पहले ही इस दुनिया से रुसवा कर दिया। मध्य प्रदेश की एक 19 साल की लड़की काम की तलाश में नागपुर शहर में आती है। शहर की ही एक डॉक्टर के यहाँ काम पर भी लगती है, मगर वो गर्भवती है ये किसी को भी पता नहीं है। ये लड़की गर्भवती थी ये छुपाने के लिए एक माँ ने खुद बच्चे को जन्म देकर उसे दुनिया देखने से पहले ही इस दुनिया से रुसवा कर दिया। ये मामला जब सामने आया तब ये सब करने के बाद तबीयत बिगड़ने के बाद लड़की मेडिकल अस्पताल में भर्ती हुई। भर्ती होने के बाद लड़की ने डॉक्टर को पूरी जानकारी दी। उसने बताया कि घर ही में ऑपरेशन कर बच्चे को जन्म दिया और उसे भोले पेट्रोल पंप के पास झाड़ियों में फेंक दिया। ये जानकारी मिलते ही अस्पताल से बड़ी पुलिस थाना को जानकारी दी गई। जानकारी मिलते ही बड़ी पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची तो उन्हें वहां अवरक्त दिखाई दिया। पुलिस ने अवरक्त को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। काल संध्याकाळच्या वेळेला पोलीस स्टेशन बर्डी येथे माहिती मिळाली की मेडिकल बुथवरून येथे माहिती मिळाली की एका बाईची डिलिव्हरी झाली असून ती मेडिकल हॉस्पिटलमध्ये भरती आहे, अविवाहित आहे ती आणि तिला बाळ झालं असून तिने ते बाळ तसंच झाडाखाली ठेवलेलं आहे अशी माहिती मिळाल्याने पोलीस स्टेशन सीताबर्डीचा स्टाफ सिव्हिल लाईन सीताबर्डी या भागात जाऊन तिथे तिनं बाळ ठेवलं होतं त्याची पाहणी केली। बाळ मृतावस्थेत होतं आणि असं कचऱ्याने झाकून ठेवलेलं होतं। त्या बाळाची जी आई आहे तिने सांगितलं होतं तिला अनैतिक संबंधातून ते बाळ झालेलं आहे म्हणून तिने सांगितलं, त्यामुळे ते मुलगा लहान बाळ तिने तिथेच ठेवलं। आरोपी एक 19 ते 20 वर्षाची महिला आहे, बाहेर राज्यातील आहे आणि पोलिसांनी जेव्हा पाहिलं तेव्हा बाळ जे मिळालं ते पुढील कार्यवाही करता पोस्टमार्टम करता मेडिकल कॉलेज नागपूर येथे पाठवलेलं आहे आणि याबाबत मुलाच्या आईविरुद्ध कलम 315 आणि 318 भादवीनुसार गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे। बाकीची पुढील कार्यवाही सवी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आल्यानंतर पुढील कार्यवाही, अगोदर तर गुन्हा दाखल झालेलाच आहे पण पोस्टमार्टम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील अजून काय कलमा वाढते किंवा काय होते त्याबाबत आम्ही पुढील तपास करीत आहोत। इस मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर ये लड़की सही में गर्भवती थी तो जिस घर में ये काम कर रही थी उन्हें कैसे पता नहीं चला? ऐसा क्या हुआ कि इस लड़की को ये कदम उठाना पड़ा? कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।